तो भाई इनकी कैब लेट हो रही है। भाई का मेरे पास फोन आ रहा है, मैंने बोल दिया निकल गया, अभी तक निकले नहीं है। चंडीगढ़ में ट्रिप लिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बढ़िया चावल बना रखे, छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। अबे से गाड़ी छूट जो के जाओ जाओ जल्दी जल्दी। बहुत कुछ सीख गया है, लोगों को देखता था कि यार इसकी कोरोना में शादी हो रही है, कैसे हो रही है, मेरे को क्या पता था मेरी खुद की होने वाली है कोरोना में शादी। ये देख सकते हैं हमारी टेबल, रात को फिर हमने डांस करके हम सो गए थे और आज उठ चुके हैं। ये है परवेश, योगेश अपने काम लगा हुआ है, नितिन टेबल है, ये देख सकते हो आप टैलेंटेड बंदे परवेश सैनी की टेबल, ये खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और योगेश और की 1 बजे की बुलाबला है और एक ही बज चुके हैं और यहाँ भी चावल भी नहीं खाए हैं, काम कर रहे हैं चिल हो के। वो लिकट गया नहीं होगी फिर देख लिए, फिर उसे सहार जाना पड़ेगा। चनी बना रखी हमने, देखो ये ब्रेड रखा है, सुबह सुबह हमने लाडू वगैरह खाए थे, यहाँ पे चाय बनाई थी, ये देखो चीनी रखी है। ये नितिन लेट उठा है आज थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ हमने ये गूंद के लड्डू का डब्बा खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये देखो हमारे चाय के बर्तन रखे हैं यहाँ पे, हमने किचन और बेड का दोनों का सेटअप यहीं पे लगा रखा है। हाँ तो अलग रखा है हमने, देखो ये बेड है हमारा, ये देखो कुछ सामान रखा ना, बाथरूम तो बंदा पर उसमें था रॉड रूड सब मसाले चीनी ये टेबल सबसे स्पेशल है और यही हमारा वर्क चलता रहता है। देखो लैपटॉप भी रखा है, एडिटिंग वगैरह, कपड़े भी सूख रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही रूम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हो आप। अरे हमने आज अंडरगारमेंट्स अंदर रख रखे हैं और ये वहां पे देखो कुछ स्टडी मटेरियल रखा है, ये कुछ है भाई। तो जल्दी होगी, क्या करे भाई खा ले चावल। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बढ़िया चावल बना रखे, छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। अबे से गाड़ी छूट जो। और ये देखो यहाँ बंदे तैयार हो रहे हैं स्पीड में तो भाई इनकी कैब लेट हो रही है, भाई का मेरे पास फोन आ रहा है, मैंने बोल दिया निकल गया, अभी तक निकले नहीं है। चंडीगढ़ में ट्रिप लिंग। अरे बैठ जा जल्दी के जाओ जाओ जल्दी जल्दी। अरे भाई कर ले साठे, मैं नंबर सेंड करूँ, फोन कर लिए ब्रेजा गाड़ी है के? हाँ योगी यार को तो छोड़ दिया है, वो जा रहे हैं, वो देखो ए, उस गाड़ी में गए हैं योगी यार मरे बटे आई हैं भाई, खतरनाक बंदे हैं। लास्ट में भी कह रहे भाई अगली में का ले ले, मैं रुक जा मेरे यार, तो बस तो पकड़ ले पहले, तेरी गाड़ी तो पकड़ ले। 2 hours later उनको छोड़ के तो काफ़ी देर हो गई थी आई, वो आपको पता है मैं आ गया था घर पे, फिर मार्केट भी गया था काम करने, कुछ अपने कपड़े वगैरह लेने, यहाँ ये बात कर रहा है। और भाई अपना बस बर्तन वगैरह काफ़ी गंदे हो गए थे, अब सफाई वगैरह किए यहाँ पे, देखो रसोई काफ़ी गंदी थी हमारी, ये तो पार्ट है ही गंदा, तो भाई ये सफाई वगैरह की। ओ ये पिछले 1 घंटे से मैंने कॉफ़ी बना के रखी हुई है, ब्लैक कॉफ़ी, वाह। चलो अब इसको ऐसे ही पीना पड़ेगा भाई, क्योंकि तो ख़राब तो कर नहीं सकते और ठंडी भी बेस्ट चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको पीते हैं और हो सका तो यहाँ खाना बनाना पड़ेगा जी, आलू ख़त्म करने हैं क्योंकि 2-4 दिन में हम घर जाने वाले हैं तो दिक्कत हो जाएगी तो इसीलिए भाई अपना मारेंगे टक्कर आलू गेला ठंडी बहुत है, ब्लैक कॉफी। तो पार्क में चलेंगे थोड़ी देर, तैयार हो रहे राज्य को बोलते हैं पार्क में चलो, घड़ी नहीं है, टाइम पता नहीं लगेगा, लगभग 6 के आसपास ही हो रहा है, तो निकलते हैं पार्क की ओर। तो भाई बच्चों के यहाँ जाना तो हो गया कैंसिल, क्योंकि हमारी एक वीडियो में दिक्कत आ गई है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, वो भाई वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। तो बस अब खाना बनाएंगे और बच्चों को मैसेज कर देंगे कि कल मिलेंगे, और कल बच्चों से जाके फिर ट्राई करेंगे मिलने की, क्योंकि यार वे मतलब अब थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, 6 बजे जाना था और लगभग 6:30 हो गए हैं, और इतना कोई मेरे हिसाब से वो चले गए होंगे बेचारे टाइम फिक्स करके, आधे घंटे में तो हमें चले जाते हैं। अब खाना बनाएंगे, खाने में ये आलू है भाई सारे ख़त्म करने, देखो क्या बनेगा, सूखे आलू बना दोगे
अपनी तो सब्जी भाई खाने वाले में जोर चाहिए, देखते हैं चलो बना के कैसा बनता है सारी चीज। गए फिर से रसोई में, पहले ये प्रोग्राम को हटाना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे नहीं हटता भाई, ठीक है, जोर लगाना पड़ता है ठंडे पानी में। अब यह ठंडे पानी में जोर लगा के ये साफ करके फिर यहाँ बनाएंगे सब्जी। लेकिन सब्जी क्या है, मैं साथ साथ बना दूँ अभी, पहले कुकर साफ करके सब्जी बना के और फिर सारी चीज़ें करेंगे। ओ ये कैमरा इतना ख़राब हो गया, वाह कैमरा चेकिंग 1 2 3 कैमरा इज गोन। बैक में ही अच्छा आता है भाई, बैक में दिखाऊँ, बैक देखो मैं कैसा आ रहा हूँ। हाय अब सब्जी बनाएंगे। Let me take your hands. अंजलि अच्छा आप बढ़िया अंकल जी आई नहीं पापा नहीं आई सब्जी वगैरह तो मैंने काट ली सब्जी, अभी आलू काटा है। और ये ना ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसका, आप लोगों को पता है जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा हो इसको खींच खींच कैसे घुमाते हम, ये भाई इतने दिनों से इसके बराबर में टंग रहा है। और हमने क्या करा, पूरी रसोई छान मोरियो घर कहूँगा क्योंकि हमारी आदत है इन अलमारियों में देखने की और नीचे वाली में, इतने दिन छान रहे हैं। और मैं वो टमाटर काट रहा अंकल जी, अंकल जी बोले इससे क्यों काट रहे, वो घुमाने वाला वो खो गया, बोला ये रखा। अरे भगवान इतने दिन से ढूंढ रहे और अब मिला। रो मोहित को और बताता ये चीज, मोहित एक चीज बताओ तुमने बंद कर एक बार सारा सिस्टम, वो घुमाने वाला कौन नहीं, वो मेरा किधर था जड़ा सब्जी रखा वो उसके ऊपर नु टांग रखा था अपन ने सारी रसोई जान मारी और मिला। अंकल आई, अंकल बोले बोले मैं अंकल अंकल किस तरह तंग हो रहा है, मैं मतलब खो गया वो सिस्टम है। करेंगे ये होता है देखो पेस्ट से, ये होते हैं असली भाई पेस्टिंग। तो यार यूँ तंग हो रहे थे बता इतने दिन के। ओ ये प्याज खत्म हो गई, तो भाई अब प्याज लेने जाना पड़ेगा और साथ साथ धनिया भी लाएंगे और थोड़ा मटर भी लेंगे यार। चलो आलू मटर बन जाएगी फिर, नहीं तो आज आलू आलू बन रहे थे वो टमो वाली बात है। अच्छा आलू मटर नहीं है, आलू टमाटर बना दे, देख के जाओगे मेटीरियल के ऊपर है सब्जी का बना। A few moments later, टास्क तो पूरा कर दिया और साथ के साथ अपनी सब्जी बन रही है, चीजें कट के कर दी थी, आटा तैयार है, लड़का फर्मट हो गया है। ये भाई सब्जी बन रही है, पानी शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन अब उबालेंगे ना इसको ठीक हो जाएगा। ये घमासान युद्ध जीत लिया है यहाँ से, इसको यहाँ रख लो एंड बस ये थोड़ा सा है जो मेरे को साफ करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट डन है। तो बहुत कुछ सीख गया है ये एक मैसेज था पहुंचाना था, वो पहुंच चुका है, आप लोग भी पता किसके पास पहुंचाना था, वो पहुंच चुका है। The next day. तो भाई आपने यहाँ तक लोग देख लिया, कैसा लगा आपको जरूर बताना। और भाई आज तो नेक्स्ट डे है, एक सैड न्यूज कह सकते हैं मेरे को, ये तो पता नहीं आप लोगों को बताना अगर पता होता इस बारे में कि कोरोना की नई गाइडलाइंस आई है कुछ वेडिंग्स को लेके, जिसको भी पता है भाई कमेंट नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि शादी आने वाली है भाई, रिस्ट्रिक्शन पता नहीं लग रही है एक्चुअल में कि रियलिटी में क्या है, कितने बंदे कर दिए हैं, कितने आने जाने वाले गेस्ट की कैपेसिटी कर दी है, कुछ पता नहीं है। मैं ज़रूर बताना कि किसी को पता है नहीं पता कि शादी को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की आई है नहीं आई है। और भाई कोरोना बहुत पीक पे चल रहा है, अपना घर पे रहो, सेफ रहो, और जहाँ तक जैसी सिचुएशन है अगर हो सका तो ये कोरोना की वेडिंग कहलाएगी, और कोरोना में आपको सब पता लगेगा कि कोरोना में वेडिंग कैसे होती है। लोगों के देखता था मैं, लोगों को देखता था कि यार इसकी कोरोना में शादी हो रही है कैसे हो रही है, मेरे को क्या पता था मेरी खुद की होने वाली है कोरोना में शादी, मतलब कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है इस चीज़ को लेके यार, मतलब क्या 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 सोचा था और क्या अब क्या क्या होगा, क्या रहेगा।
अभी तो भाई कार्ड ही कार्ड भी जब ने दे दिए, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो चलो भाई इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अंटिल इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, हमारे ब्लॉग अच्छे लगते रहते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी किया करो और बेल आइकन को भी दाब दिया करो। और साथ के साथ भाई इंस्टाग्राम पे हमको जरूर फॉलो कर लो, हम साथ के साथ अपडेट डालते हैं और मस्त मस्त रील डालते हैं, यहाँ जाके देखना। और भाई तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और भाई पढ़ते भी रहा करो। बाय बाय।